जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की सीरीज में पुनः 50 प्रश्नों की जीएस जीके करंट विविध समसामयिक की एक सीरीज लेकर आए हैं जो आपको सरकारी शिक्षक बनाने में काफ़ी मददगार होगी। अगर आप एक सरकारी शिक्षक अध्यापक के अध्यापक बनना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि हम केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि ये पूर्ण प्रयास करेंगे कि इस प्रश्नों में के जो चारों विकल्प हैं उनको कैसे भी हल किया जाए, उनके विकल्प की भी व्याख्या, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपके भर्ती परीक्षा में ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि एक बार अगर ये प्रश्न आपके नज़रों के सामने से गुजर जाएंगे, भविष्य में ऐसे प्रश्न फिर कभी आपसे गलत नहीं होंगे। इसलिए इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस निःशुल्क क्लास में आप सभी का स्वागत है। जब गेस्ट के रूप में निःशुल्क मैं अपने बचपन समय से आपके लिए लेकर आता हूँ। इसी समय प्रतिदिन पहला सवाल है कि राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। काफी यूनिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में कई दफा कई बार पूछा जा चुका है, तो जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार जी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मेरा सवाल आपसे है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मंत्री कौन है। यहाँ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जवाब देंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ की सीरीज आपको उपलब्ध हो गई हाल ही में। जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ था वहां से आपके परीक्षा में एक सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में जान लीजिएगा। इसमें जन्म के एक घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराने, ध्यान रहे, और न्यूनतम 2 वर्ष तक निरंतर स्तनपान कराने पर जोर दिया जा रहा है। अगला सवाल आपका है कैशलेस लेन देन के लिए, ध्यान से देखिएगा, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। ये दोनों सवाल आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल हैं। जी हाँ, अगर वीडियो आपकी क्वालिटी कम हो या साफ न चल रही हो तो 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पूरी तरह HD मिलेगा आपको। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, नचकेत मोर समिति, शांता कुमार समिति, HR खान समिति, नीरज कुमार गुप्ता समिति। तो कैशलेस को लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य नीरज कुमार गुप्ता, जी हाँ नीरज कुमार गुप्ता समिति जो थी यहाँ पर यह गठित की गई थी। 7 सदस्यों वाली इस समिति का जो उद्देश्य था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि करना, क्रेडिट कार्ड के लिए विनिमय शुल्क को अस्थायी बनाए रखना। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा। किताब 6 मशीन आई डोंट लाइव क्रिकेट आई लव इट, इसमें किस क्रिकेटर की आत्मकथा के बारे में लिखा गया है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार पुनः कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर क्या होगा, युवराज सिंह, क्रिश गेल, वरेंद्र सहवाग, एवी डिविलियर्स। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तकें भी आपके पाठ्यक्रम में, पुस्तकें भी आपके सिलेबस में है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इन सारे प्रश्नों का जवाब जरूर दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके आइए, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर होगा क्रिश गेल, बी वालों के जवाब सही है। 6 मशीन आई डोंट लाइव क्रिकेट आई लव इट, इसका क्रिश गेल, ये वेस्ट इंडीज के हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। मतलब बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, काफी लोगों ने इसका उत्तर भी बताया था। अगला सवाल आपके सामने है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। सभी लोग फटाफट बताएं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, शातवाहन वंश से, रणभोजक वंश से। यह प्राचीन इतिहास का सवाल है। एक बार आप लोग वीडियो को जैसे जुड़िएगा लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया उनका दिल से थैंक यू। बताइए आप लोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप लोग लगातार बेहतर करते रहें। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य, देखिए यहाँ पे है महामेघ वाहन वंश, जो लोगों ने बताया ए उनके जवाब सही है। इनकी विस्तृत व्याख्या हम देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश जो था स्थापित हुआ। इसी वंश के राज महामेघ वाहन के नाम से चेदी वंश जाना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की प्रशस्ति उत्तीर्ण होती है। कौन से? हाथी गुफा। ध्यान रहे हाथी गुफा यह परीक्षा में पूछा जाता है, हाथी गुफा अभिलेख।
अभिलेख से भी सवाल आते हैं। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की जो प्रशस्ति उत्कीर्ण है, तो जितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो ध्यान रहे। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सातवाहन वंश की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है, यूनिक है, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। सातवाहन वंश की क्या विशेषता थी ऐसा जो भारतीय इतिहास में हमें सातवाहन वंश को पढ़ने पर मजबूर करती है? मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा, आसफ खां। एकदम इंपॉर्टेंट, ये मध्यकालीन इतिहास का सवाल है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, फटाफट बताइए। जी हाँ, काफी लोगों ने सही बताया है। सातवाहन वंश के बारे में इन्होंने सीसे का सिक्का चलवाया था, जो भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण दर्जा है। यहां पर क्या होगा सभी लोग बताइए। देखिए यहां पर आप लोगों ने, सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया है और कुछ लोग जवाब सही भी हैं। सभी लोग जवाब दिया करिए, गलत ही सही, लेकिन सिलेक्शन में परीक्षा हाल में होते तो कौन से प्रश्न का विकल्प चयन करते? यहां पर इस प्रश्न का होगा अलाउद्दीन हसन, ए वालों का जवाब सही है, जितने लोगों ने ये बताया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने किया था 1347 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह के बाद, की थी। अपने राज्याभिषेक के बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उसने किसकी उपाधि धारण की? इसने बहमन शाह की उपाधि, यह पूछा जाता है, बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, याद रहे, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि उपाधि को लेकर, तो इन्होंने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। और ये बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत में प्रथम स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। रट लीजिएगा सभी लोग एक बार ध्यान से, यहां से प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि बहमनी राज्य सल्तनत दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य पहला स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था सल्तनत काल में, इसलिए यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, सभी को नमस्ते, लेकिन हम पढ़ते चलेंगे। हाय हेलो नमस्ते। सिलेक्शन के बाद सबसे पहला काम सिलेक्शन, अब की बार एक सीट हमार। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, ये आधुनिक भारत के इतिहास का सवाल। इसमें सभी जीएस, जीके, विविध, उत्तर प्रदेश स्पेशल, समसामयिकी, जीएस में भी इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान और उसके बाद अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, तीनों विज्ञान जिसे सामान्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब? 1936, 1939, 1942, 1945। जी हाँ, काफी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है। जी हाँ, लगे रहिए ऐसे, इस प्रश्न का उत्तर 1936, ए वालों का जवाब पूरी तरह सही। आधुनिक भारत का इतिहास है। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना किसने किया था? किसी को नाम पता है? सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से। 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भी की गई थी। इसके संस्थापक में राम मनोहर लोहिया भी थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव भी प्रमुख थे। अगला सवाल, द्वैध शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। यह भारतीय संविधान का भी प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास का भी प्रश्न है। बताइए द्वैध शासन, लॉर्ड क्लाइव इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेक्टर मुनरो की विशेषता क्या थी, कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। लॉर्ड मैकाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सर लियोनी कर्टिल्स, बताइए द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए द्वैध शासन जो पेश किया गया था, भारत शासन अधिनियम, एक अच्छा आर्ट के इतिहास में है, 1919। इलनी विद्रोह के नोट्स में भी होगा, आपने नोट्स पढ़ा होगा, इलनी विद्रोह के नोट्स में होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन को पेश किया गया था। जी हाँ मेरे पैसे चो, बताइए जल्दी से फटाफट, कितने लोग इसका जवाब सही देते हैं? यहां पे सर लियोनी कर्टिस, डी वालों का जवाब सही है। यह परीक्षा में रट लीजिएगा, गलती मत करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। सर लियोनी कर्टिस,
लॉर्ड क्लाइव की विशेषता क्या है, कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट है। हेक्टर मुनरो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा कब लाए थे, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और प्रश्न का उत्तर जो होगा, सर लियोनी नियोलिन कर्टिस, अगर यहाँ पे गलत हो जाए कोई बात नहीं, परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, गलत ना हो परीक्षा में। एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक, यह भी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, राजनीतिक रत्नाकर, चंद्रशेखर, विद्यापति, ज्योतिष श्रेवर, हरि ब्रह्मदेव, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी को नमस्ते, सभी को शुभकामनाएं। जी हाँ, बस ऐसे ही सवालों के जवाब देते रहिए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक लगभग 14वीं शताब्दी में चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक की जो कालावधि में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सार है मिथिला के कर्नाटक वंश के। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या, मिथिला के कर्नाटक वंश लिख लीजिएगा सभी लोग। कर्नाट वंश है, कर्नाटक नहीं, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के इतिहास राजनीति पर प्रकाश डालती है और कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह देव के दरबार में मंत्री थे। देखिए, हरिसिंह देव के दरबार में मंत्री थे चंद्रशेखर, अंतिम शासक जो थे। अगला, निम्नलिखित सागरों में औसत लवणता सर्वाधिक है, औसत से सर्वाधिक लवणता किसमें है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब की बार एक सीट हमार, सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मित्र सागर, मैंने बार बार बताया है, इस सवाल में ज्यादातर लोग गलती करते हैं, लेकिन आज इस प्रश्न का सही जवाब देना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी की देखिए, यहां पर होगा भूमध्य सागर ना, नहीं, ये भूमध्य सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, अफ्रीका से अलग करता है या जोड़ता है, ठीक है। यहां पर इसका उत्तर होगा मृत सागर, यह अति लवणी खारे जल है दिए गए प्रश्न के हिसाब से, और जॉर्डन के पूरब में, इजराइल और फिलिस्तीन के पश्चिम में है। याद रहे, एक सवाल पूछा जाता है, मृत सागर किन किन देश के सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है, किन किन देश की सीमाओं को स्पर्श करता है, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, और यह विश्व का जल में सर्वाधिक मतलब खारे पानी है, इसके अलावा भी इससे भी ज्यादा खारा पानी कोई है, वो बताइए कौन है। हाँ, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। अगला सवाल, निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां पर संकेंद्रित है, द्रविड़ियन प्रजाति, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत, फटाफट कमेंट करिए, यह मानव भूगोल का सवाल है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हाँ, वान लेक मैंने पढ़ाया है, वान झील तुर्की में है। यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, दक्षिण भारत में, द्रविड़ियन जो है दक्षिण भारत की जनसंख्या के बड़े भाग का एक प्रतिनिधि करती है, मतलब वहां पे ज्यादातर लोग बोलते हैं, तो ये रट लीजिएगा दक्षिण भारत। अच्छा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर इतने लोग लाइक करें या ना करें, शेयर कर देंगे, उतने लोगों तक पहुंचेगा, तो आप लोग केवल 10 लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लीजिए। मैं और भी क्लासेज आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बस समय थोड़ा सा भी कम है, लेकिन एक दो दिन के अंदर आपको और सारे सवाल क्लास मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़ी। देखिए, याद रहे, टीटागढ़ से प्रश्न आता है, रांची से भी प्रश्न आता है, तारापुर से आता है, खेतड़ी से, चारों से प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको ये बताना है यहाँ पर तांबा उद्योग कहाँ पर स्थापित है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, आप लोग ऐसे लगे रहिएगा। देखिए, खेतड़ी वालों का जवाब सही है, खेतड़ी का संबंध कहाँ से, सीधा सीधा आपके तांबा उद्योग से है। एक सवाल मेरा आप सभी से, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, छोटा सा सवाल है, कागज उद्योग का संबंध कहाँ से, कागज उद्योग, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कागज उद्योग, कमेंट करके बताइएगा। चतुर्भुज मार्ग क्या है, अगला सवाल प्रश्न नंबर 12 है, चतुर्भुज मार्ग क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। नेपानगर कागज उद्योग और कौन सा है, उसके अलावा कागज नगरी, देखिए यहां पर स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, अब कोई भूगोल का सवाल है या आपके भारत के भूगोल का सवाल है, बताइए क्या है।
यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है मेरे प्यारे साथियों। सी प्रश्न का सही जवाब होगा यह स्वर्ण चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो भारत को उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम को जोड़ने का काम करती है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, जी हाँ, अब यहाँ पर राज्य की भी जगह एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश, बताइए क्या होगा। हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग जवाब दे लेंगे। यहाँ पे सवाल ही ऐसा हो गया, जम्मू कश्मीर अपने विशिष्ट मौसम के कारण भारत में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो पंपोर हजारों वर्ष पहले कश्मीर का मुख्य केसर उत्पादक क्षेत्र बना था, क्या था, पंपोर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, पंपोर वहां के जगह का नाम है, सबसे ज्यादा यहां पर होता है। उसके बाद किश्तवाड़ा, उसके बाद क्या है? पहले पे है, दूसरे पर क्या है, किश्तवाड़ा, कहीं किश्तवाड़ भी मिल जाता है पढ़ने को। ईरान विश्व में केसर के अकेले दुनिया में सबसे ज्यादा केसर कहां होता है, ईरान में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा केसर कहां पे होता है, ईरान में। एक सवाल पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा केसर कहां होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो केसर होता है ईरान में होता है, जी हाँ। बताइए फटाफट कमेंट करके, ईरान में सबसे ज्यादा केसर होता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने वीडियो को लाइक देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपने पढ़ा होगा संविधान के उद्देश्य का, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंद्रह निरपेक्ष लोकतंत्र, मतलब ये आपने पूरा याद होना करना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, देखिए यहाँ पे 26 नवंबर। अब देखिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसी दिन इसे स्वीकार किया गया था और 1949 को इसी दिन अंगीकार भी किया गया था, लेकिन पूर्ण संविधान, पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। एक मेरा सवाल है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, डेट उसकी 26 जनवरी थी, लेकिन वर्ष कौन सा था, 26 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी क्या, कमेंट करके बताइए 26 जनवरी क्या, क्योंकि यह सवाल पूछा जाता है आपके सब परीक्षा हाल में, जी हाँ सभी लोग बताइएगा। 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी है 26 नवंबर को अंगीकार किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष को 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन संविधान को लागू किया गया था, अंगीकार किया गया था, ठीक है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। अगला सवाल, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वयक और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है। एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता है पंचायती राज व्यवस्था, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय मॉडल किसने दिया था, त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था, पहला इसका प्रयोग कहाँ किया गया था और दूसरा ये किस अनुसूची में है, तो पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 में है, नगर निगम 12 में है, ठीक है। ये किस भाग में भारतीय संविधान के, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, कितने विषय इसमें है, ये आप लोग को तैयार करना है परीक्षा में। यहां से सवाल आते हैं, अशोक मेहता, द्विस्तरी त्रिस्तरी, और भारत में किसे पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है, आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सम्यक और पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायत समिति एक कार्यकारी निकाय है, जबकि जिला परिषद सलाहकारी समयकारी पर्यवेक्षी निकाय के रूप में कार्य करता है, यह एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मध्यवर्ती स्तर पर काम करता है, ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष के मध्य कड़ी का काम करता है ये, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा, क्या होगा, सी होगा, रट लीजिए, मैं बार बार आपको बताता हूं सिलेक्शन वाले प्रश्न है आपके। अच्छा बताइए भाग अनुच्छेद 40 क्या है, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 में क्या अंतर है,
और पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रहे अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है, और तो अनुच्छेद 243 क्या भाग 9 क्या है, भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है, भाग 9 अनुसूची 11 क्या है, ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं। सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो याद रखिएगा कि दोनों में है। यह है आपका भाग 9 जो पंचायती राज का गठन है, ये 40 में भाग 4 नीति सिद्धांत में है। ठीक है, हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। 243 क ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का है, ध्यान से देखिएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यह हमने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा प्ले स्टोर पर। जी हाँ, जैसे आपने अगर नोट्स पढ़ा होगा तो नोट्स में होगा, या ई लर्निंग बुद्रगेस ऐप पर हमने संविधान पढ़ाया हुआ है निःशुल्क, आप लोग वहाँ पर जाके देखिएगा, अच्छे से मैंने व्याख्या करके समझाया। मेरी क्लासें निःशुल्क आपको देशित में राशि से मिलती है, जौनपुर जनपद से। बताइए आप लोग, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, बस एक दो दिन का समय दीजिए। अच्छा, सारे आंसर मिक्स हो जा रहे हैं, स्लो करें। अच्छा, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमें केवल भारतीयों को प्राप्त है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, ये सबको प्राप्त है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। जीवन और संरक्षण का अधिकार, ये सभी को प्राप्त है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हमें 1 और 3 का चयन करना पड़ेगा। अब यहाँ से अनुच्छेद आपको बताना है, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। कानून के समक्ष समता का अधिकार, ये किसके किस आर्टिकल्स में है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, ये आर्टिकल्स दोनों याद करिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1 और 3। याद रहे, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे राइट हैं जो याद है। जैसे अगर अनुच्छेद 16 की बात करें, ये देखिए, ये अनुच्छेद 16 में है, 19 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में है क्या क्या चीज़ें हैं। बोलने के विचारों का अभिव्यक्ति है, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का है, संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, और निवास करने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार। इसमें कुल 6 अधिकार हैं, और आपको पता है वर्तमान में मूलाधिकार कितने हैं, 6 है, पहले 7 थे। तो जो 7वां था ये 19 में ही था, 19 और 31 में था, उसे उठाकर अब अनुच्छेद 300 क में भेज दिया गया, उसे विधि का अधिकार बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, पहले कितनी थी, मूल संविधान में 7 थी। ठीक है, जी हाँ, ये अनुच्छेद 29 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है अल्पसंख्यकों के अधिकार। हम चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट कर लें आप चाहे तो। देखिए, भारतीय संविधान के सवाल चल रहे समय। अगला, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4, 2/3 आदेश राज्यों का अधिकार समर्थन। सभी लोग फटाफट बताइए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है, कहाँ पे, अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। सभी लोग फटाफट बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए यार, डेली क्लास आपको मिल रही है। देखिए, सभी PDF आपको टेलीग्राम पे और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िए, सभी लोग इंस्टॉल करिए। यार, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, इतनी कम संख्या है, आप 10,000 से ऊपर पहुंचाइए लोगों तक। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर साधारण बहुमत से ए वालों का जवाब सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को एक नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के सामान्य बहुमत से नए राज्य के निर्माण संबंधित विधेयक पारित कर सकती है। जैसे अगर यहाँ पे सवाल पूछ लिया जाए, यहाँ से अगर पूछ लिया जाए, जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना, अनुच्छेद 3, लद्दाख कैसे बना, 3, और अगर पूछा जाए कि 2 जून 2014 को आपको एक नया राज्य आया था तेलंगाना, किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 3। एक सवाल मेरा है, वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, बताइए सभी लोग। जी हाँ, 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। इसे साक्षर रेशियो के नाम से जानते हैं। भारत का लिंगानुपात 943 है,
ठीक है, भारत का लिंगानुपात कितना है 943, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या होगा, सबसे कम किस राज्य का है, सभी लोग कम और कितना है, हरियाणा का सही जवाब, लेकिन कितना है कमेंट करके बताइएगा, सबसे ज्यादा हरियाणा का है, कम, सबसे कम बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी वीडियो को लाइक कर रहे फटाफट कमेंट करिए। देखिए हरियाणा में कितना है, कम है लेकिन कितना है, आप बता ही नहीं रहे। उत्तर प्रदेश कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है लिंगानुपात, साक्षरता से उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का बताइए, अब ऐसे करेंगे तो कैसे होगा बताइए। केरला सबसे ज्यादा है, गलत बताया आपने आंकड़ा, यूपी का, चलिए ऐसे बताएंगे तो कैसे होगा बताइए। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इतना कंफ्यूज हैं, वैसे यूपी स्पेशल की वीडियो पढ़ चुकी है, एक बार देख लीजिएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की, यह हमने पढ़ाया हुआ है, इसलिए कोई गलती मत करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताइए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा पढ़ाया हुआ सवाल है, ये अर्थशास्त्र का सवाल है, ये सरकारी शिक्षक बनाने वाले सवाल है, परीक्षा में गलती मत करिएगा। हाँ भाई, कमेंट सबके पढ़ रहे हैं, हरियाणा में कम केरल में ज्यादा, यहाँ पढ़ तो लिया हमने कमेंट, चलिए कमेंट से ज्यादा सिलेक्शन जरूरी है। यहाँ पे देखिए VKRV राव, ये हमने पढ़ाया हुआ था, ये रिपीटेड प्रश्न है, मैंने व्याख्या में बताया था, ठीक है। क्लास के अंत में सवाल, अभी केवल सिलेक्शन वाले सवाल, केवल टॉपिक से बाहर कोई बात नहीं। काली क्रांति का संबंध किससे, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए, काली क्रांति का संबंध किससे है। जी हां, क्रूड ऑयल से, माने कच्चा तेल उत्पादन से है। कोयले को कौन से कहते हैं, मत्स्य उत्पादन कौन सी क्रांति है बताइए, मत्स्य उत्पादन कौन सी क्रांति है। डेली क्लास इसी टाइम होती है भैया। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट करिए। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी को शुभकामनाएं, बस अपना बेहतर करते रहिए। देखिए काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से, क्रूड ऑयल से है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए स्टाम्प शुल्क यात्री संपदा, देखिए इसमें से एक डायरेक्ट कर क्या होता है, डायरेक्ट कर मैं दोनों बता दूं थोड़ा सा आप लोग को, एक प्रत्यक्ष कर, देखिए कर दो प्रकार का होता है, अभी कई है पार्ट लेकिन मैं एक तरीका ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष होता है। देखिए इसमें इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति करदाता होता है वह स्वयं जाकेट कर देता है, टैक्स स्वयं देता है और वहन अकेले करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में जैसे नगर आपका इनकम टैक्स है आप स्वयं जाकर भरते हैं, आपका GST है, आपने पेमेंट लिया, दवा लिया, आपने टैक्स भर दिया जो पहले था, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, केवल एक व्यक्ति देता है और जितने व्यक्ति उपभोग करते हैं उतने व्यक्ति इसका वहन करते हैं। जैसे आपने साबुन लिया, अगर आप साबुन लेते हैं तो उसमें टैक्स देते लिखा होता है, ऑल टैक्स इंक्लूडेड, या आप मोमबत्ती लेते हैं, किताब कॉपी दुनिया कोई सामान खरीदते हैं उसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा होता है, तो कंपनी बनाने वाली जैसे साबुन बनाती है टैक्स भर देती है, लेकिन जब आप साबुन खरीदते हैं तब आप टैक्स भरते हैं, ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जो आप डायरेक्ट न भरें उसे सामान को परचेज करें, माने कोई एक व्यक्ति भर दे, वाहन उसको उपभोग करने वाला करे, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, लेकिन जैसे वाहन शुल्क चुंगी शुल्क ये सब क्या डायरेक्ट टैक्स है, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इसमें स्वयं आप जाके टैक्स देते हैं। यहां पर बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर होगा स्टाम्प शुल्क। याद रखिएगा स्टाम्प शुल्क क्या होता है, ये भारतीय संविधान की धारा 268 में स्टाम्प शुल्क, औषधि प्रसाधनों पर उत्पादन शुल्क संघीय सूची में है केंद्र सरकार में, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है, लेकिन राज्य इन्हें इकट्ठा करता है और ये उपयोग करने हेतु अधिकार भी दिए गए हैं। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या है वह क्या होगा, ए होगा। याद रखिएगा दोनों कर का मैंने बता दिया, परीक्षा में आएगा तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा, इस जिस पर लगता है प्रत्यक्ष कर वही भुगतान करता है, लेकिन इस पर क्या होता है जो उपभोग करता है वह वहन करता है। अगला सवाल है बैंक दर क्या है, देखिए मैंने सवाल पढ़ाया था, देखिए RBI के चार, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CSLR, तो ये आपके ऐसे टॉपिक है जो परीक्षा में घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, इन टॉपिकों को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तब। यार आप लोग एक बार वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा जोर लगा के,
एक बार और शेयर कर दीजिए जोर लगा के, 1000 पार हो जाएगा। जी हाँ, देखिए बैंक दर का आशय है क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। यहाँ पर साहूकार द्वारा, जी नहीं, आरबीआई द्वारा, क्योंकि आरबीआई का संबंध इससे, तो यहाँ पे साहूकार फाहूकार होगा नहीं, अनुसूचित बैंक भी नहीं होगा, बैंकिंग संस्थान, जी नहीं, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज जो वाणिज्य बैंकों से ली जाती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह सही है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये ऐसे सवाल है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जो एवरग्रीन प्रश्न होते हैं। अगला सवाल, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट करिए, एकदम आसान सवाल है। जी हाँ, कनिष्क के बारे में कोई चार टॉपिक बताइए जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता हो। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक माना जाता है, या किसका संबंध किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक एवर ग्रीन प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, हम वही सीरीज लेकर आते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त के बारे में इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों बताइए सभी लोग। देखिए इसके बारे में काफी व्याख्या करके बता दे रहा हूं, जो आपके वीडियो में काफी महत्वपूर्ण होगा, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना। देखिए, समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर वी.ए. स्मिथ ने कौन कहा था, ये इसे नेपोलियन कौन कहा था, वी.ए. स्मिथ ने कहा था, वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था, संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, दरबारी कवि इनके कौन था, दरबारी कवि कौन थे इनके, कोई बता सकते है, पूछा जाता, हरिसेन, हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति किसने किया था, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, अगर इसका देखा जाए समय अवधि 350 से लेकर 375 तक था, अभिलेखों में उसके सर्वगोच्छता वृद्ध प्रयुक्त हुआ है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य ब्रह्मपुत्र, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा तक, उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति 79वीं पंक्तियों में दक्षिण पथ विजय का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने कुल 12 शासकों को हराया था, कितने, समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को हराया था, रट लीजिएगा, कितने, 12 शासकों को हराया था, जिसमें अंतिम शासक दक्षिण के कांची का पल्लव वंश का विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ विजय तीन मुख्य नीति थी, तीन मुख्य नीति कौन कौन सी थी, पहली नीति ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, दूसरा मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना, तीसरा अनुग्रह, राज्य लौटाकर शत्रुओं पर दया करना। यहाँ पे याद रखिएगा, अच्छा कुछ स्थानों के उत्खनन करता, हड़प्पा याद रखिएगा, मैं हड़प्पा का उत्खनन किसने, राज बहादुर, दयाराम साहनी और व्हीलर ने, मोहन जोदड़ो जरा बताइए कौन था, मोहन जोदड़ो कमेंट कर बताइए, मोहन जोदड़ो, राखल दास बनर्जी, मार्टिन व्हीलर, चहुंदड़ो, गोपाल मजुमदार, ये सवाल यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिए परीक्षा वाले सवाल हैं। मैंने इसलिए लोथल रंगनाथ राव, कालीबंगा, उमलानंद घोष, बनवाली, रविंद्र सिंह, ये ऐसे बहुत ही प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए हड़प्पा के कौन है, अभी हमने जस्ट बात किया, हड़प्पा के कौन है बताइए जल्दी कमेंट करके, हड़प्पा के कौन है, राय बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए राज बहादुर, बताइए जल्दी फटाफट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो कौन है, राखल दास बनर्जी, मार्टिन व्हीलर, देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए आईडी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एच वत्स, एम ए पतन 1953 में रंगपुर गुजरात की खोज की थी, ये सभी भारत के पुराविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित है, जबकि वीर ए स्मिथ, वी ए जो स्मिथ है ये विदेशी इतिहासकार है, इन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की है। इसमें क्या है, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी रचना अगर हम लोग पढ़ें, द ऑक्सफोर्ड, इनकी रचना क्या है, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने ही भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है, इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आर्ट ऑफ इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है, आर्ट ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री
हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इनकी प्रमुख, इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, प्राचीन भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो रट लीजिएगा तीन पुस्तक इनकी जो बहुत ही प्रमुख है, जो परीक्षा में पूछी जाती है। इसलिए गलत है और यही आपका सही है, मतलब डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबके? एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, मुझे लगता है सभी के जवाब ही सही होंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद बताइएगा। देखिए, अगर बुद्ध के जीवन की हम लोग प्रमुख घटना पढ़ेंगे तो यहां पे देखिए, अगर हम बुद्ध के जीवन पढ़ें तो एक तरफ घटना कुछ प्रतीक है जो परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिखवा देता हूं, आप लोग पढ़िएगा। जैसे गर्भ, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। क्या था प्रतीक चिन्ह? हाथी। जन्म, कमल, प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। ये परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैंने लिखवा दिया। यौवन, सांड हो गया। गृह त्याग, इसे एक नाम से और जानते हैं, महाभिष्निष्करण, इसमें घोड़ा था। इसमें क्या था? घोड़ा था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति संबोधित बोधि वृक्ष। देखिए, ज्ञान प्राप्ति मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष माने पीपल, माने ऐसे समझ लीजिएगा पीपल। ज्ञान प्राप्ति को उन्होंने संबोधित कहा है। ठीक है, प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन, ये जितना मुझे याद है मैं उतना लिखवा दे रहा हूं। प्रथम प्रवचन क्या था? चक्र। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। निर्माण, यहां से एक प्रश्न फिक्स आएगा, निर्माण पदचिन्ह, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पदचिन्ह। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, इसे महापरिनिर्वाण इसी को कहते हैं, मृत्यु स्तूप, ये चिन्ह थे, याद रखिएगा। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सारनाथ। उत्तर क्या होगा प्रश्न का? सारनाथ। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी के समीप, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन, माता माया देवी थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में निरंजन नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और बुद्ध सारनाथ वाराणसी में अपना पहला धर्मोपदेश देते हैं। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग की घटना को महाभिष्निष्करण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति घटना को संबोधित कहा जाता है। पांच ब्राह्मण जिन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, क्या पांचों ब्राह्मण के नाम कोई बता सकता है? वे पांच ब्राह्मण जिनको उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कौन कौन था, किसी को पता है? पांच ब्राह्मण बताइए। महानाम, पांच ब्राह्मण थे महानाम, और कौन था? अश्वजीत, महानाम, अश्वजीत, कौंडिन्य, तीन हो गए, और कौन था? वाप्य, और कौन था? भद्रिक। ये पांच लोग थे जिन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अच्छा आप सारनाथ से, चलिए जी कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। ये भी मैं काफ़ी व्याख्या, देखिए मैं ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर रहा हूँ ना, डेली इसी टाइम क्लास होती है। आइए ध्यान से देखते हैं, याद रहे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त शासक बना। कौन बना? कुमारगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट शासक बना, जिसका कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो ये 414 से लेकर 455 लगभग था। एक बार आप लोग नोट कर ध्यान से मिला लीजिएगा, मुझे ये याद है। उसने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। नालंदा में एक विश्वविद्यालय, एक बिहार की स्थापना की जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसमें सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किस शासन में आए? तो गुप्त काल में। ध्यान रहे, गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे, किसी को पता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम किसी को पता है? देवगुप्त, देवराज, देवश्री था, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य कला स्वर्णकाल का यूं कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वह साहित्य का स्वर्णकाल, कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने रजत की मुद्राओं को सबसे पहले शुरू कराया था। चंद्रगुप्त के दरबार में नौ रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। धन्वंतरी सुश्रुतगुप्त काल के बौद्ध थे। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, जो परीक्षा में पूछा जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त से प्राप्त हुए। सर्वाधिक एक ही में आप लोग को थियरी इतना इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सर्वाधिक अभिलेख आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त ने अधिक संख्या में मयूर आकृति की मुद्राएं चलाई। किस आकृति की? मयूर आकृति की मुद्राएं चलाई। याद रहे मयूर आकृति की मुद्राएं सबसे ज्यादा कुमारगुप्त ने चलवाया। तो पुष्प गुप्त के बारे में नहीं, इनके बारे में मैंने बता दिया। क्या आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि मैं कहीं डीप में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रयास से कर रहा हूं। अगर आप मेरी क्लास पढ़ें तो थियरी पढ़ने की जरूरत ना हो, आपका उससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मैं उनकी विस्तृत व्याख्या कर दूं। एक बार जरा आप लोग बताइए, क्योंकि ऐसा क्योंकि संख्या कम हो रही है तो मैं यही चाहता हूं एक बार आप लोग बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके। धर्मपाल विक्रमशिला की नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। दोनों में कंफ्यूजन लोग हो जाता है। हूड़ों का आक्रमण भी यहीं पर हुआ था। अगर आप लोग को तकलीफ हो तो कोई, क्योंकि आप लोग ने वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। देखिए मैं व्याख्या इसलिए कर रहा हूं ताकि इसके इर्द गिर्द कोई सवाल है। देखिए कुछ लोग होते हैं नालंदा धर्मशिला में कंफ्यूज जाते हैं, तो धर्मपाल में और कुमारगुप्त में। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त ने नालंदा की। चंद्रगुप्त के बारे में इससे जुड़े जितने भी की पॉइंट थे वो मैंने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके पास समय कम है, परीक्षा सर पर है। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता आपके सिलेक्शन के नजदीक ले जाने का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग तो क्या बताया जाए, आप लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे ना। अगला सवाल है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट करके बताइए। देख कहीं की पढ़ाने में गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी उतना मतलब मैंने भी काफी दिन का पढ़ा हुआ है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। कितने लोगों को शेयर किया आपने ये भी कमेंट कर बताइए जरा। तो 1857 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है यहां से कि देखिए लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वेलेजली भी इंपॉर्टेंट है, डलहौजी, मिंटो और वेलेजली, इनके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाली है। आप लोग बताइए 1857 भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहां पर आप लोगों ने देखा कि 1856 से 62 तक था, ये 1856 से 62 थे। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय थे। याद रखिएगा ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम, ध्यान रहे ये अंतिम। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, गलत मत करिएगा, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम वायसराय थे। वायसराय भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय 1857 का क्रांति होता है, विद्रोह होता है। लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया, 500 से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा मुंबई, कोलकाता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। कब एक एक उच्च न्यायालय इसने बनवाए थे? कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में हुई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम कैनिंग के समय स्वीकृत हुआ। पुनर्विवाह एक्ट 1856 इन्हीं के समय लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता जिसे IPC कहते हैं 1861 इन्हीं के समय स्थापित की, जो आज तक चल रही है। भारतीय दंड संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आपके सामने है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सभी का जितने लोगों ने वीडियो को शेयर और लाइक किया है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और शायद आपकी थियरी तैयार हो जाएगी। सभी लोग को मैं लास्ट में आपके सवाल लूंगा, पहले आप लोग केवल पढ़ लीजिए। सभी लोग फटाफट वीडियो को पहुंचाइए। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला मुस्लिम शासक बना। उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया।
अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ढाई दिन के झोपड़ा के नाम से एक मस्जिद का निर्माण अलाओ कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में कुवत उल इस्लाम बनवाई। क्या बनवाई लिखना चाहिए, प्रथम मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद कौन बनी, कुवत उल इस्लाम। मैं इससे जुड़ी परीक्षा में कोई भी सवाल आए तो गलत ना हो, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, कुवत उल इस्लाम। भारत में पहली बार कहाँ बना था, दिल्ली में पहली मस्जिद किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1200 में अजमेर में निर्मित यह पहले एक मठ संस्कृत विद्यालय था। यह पहले क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था। 1100 में इसकी दीवार पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली का अंश मिलता है। आगे चलते हैं, सल्तनत काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, अगर आप कहें तो मैं लिखवा दूं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, मैं कुछ चीज लिखवा दूं। जैसे देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, हजार सीडन अलाउद्दीन खिलजी, हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी, तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, अलियाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक, कोटला का फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, पढ़ लीजिए खूब। देखिए मुझे जितना याद है उतना बता दिया, अब इतना नहीं है कि अगला, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, जवाब दें फटाफट कमेंट करें, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ। डेली क्लास इसी टाइम पर होगी, फटाफट कमेंट करिए यार। बंग भंग क्या था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा जाता है, 1905। उस समय गवर्नर कौन था, बंगाल विभाजन समय गवर्नर कौन था। देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय घोषणा हुई, इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। किसका हुआ, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अजीत सिंह लाला राजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल गंगाराम, ये लोग मिलकर आंदोलन को पहुंचाए। सैयद अहमद खान ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सर सैयद हैदर खान ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ पे, बनारस में। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 का, ये पूछा जाता है कि 1905 में, बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू, आप लोगों ने 500 का आंकड़ा पार कर दिया। भगवान करे आप सभी लोग सरकारी शिक्षक जरूर बने, मैं अपना बेस्ट दूंगा और यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अब आइए, बनारस में 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। अब हम और आगे इसके बारे में बात करते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन समर्थन यहीं से मिला था, इसलिए अच्छा। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के सूत्रपात किसने किया था, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, जल्दी कमेंट करिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कहां से किया गया था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन मैंने बता दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लाया गया था, इन सभी को परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। यहां पे दो प्रश्न आता है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए एनी बेसेंट जो थी ये विदेशी थी, ये 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनती है, कहां के, कोलकाता में ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्या थी, ये प्रथम महिला थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनती, लेकिन ये विदेशी थी। क्या थी, विदेशी। यहां पर पूछा है प्रथम भारतीय, यहां पे क्या पूछा है, प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय जो थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू, कब, 1925 में। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, यह कानपुर में हुआ था, कहां पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह भी प्रथम भारतीय महिला, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी।
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। पहली पीएम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। स्वच्छता की प्लानिंग क्या थी कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग बताइए। देखिए इसके बारे में कई तथ्य मैं आपको बता दूं। सबसे अधिक देखिए एक बार मेरा सवाल आप सभी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां पर हुआ है? तो सबसे ज्यादा अधिवेशन 10 बार कोलकाता में हुआ है, 10 बार कोलकाता में। एक प्रश्न मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि परीक्षा वाले सवाल है। सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे ज्यादा कलकत्ता में 10 बार हुआ है और बंबई और मद्रास में 7-7 बार, 7-7 बार बंबई और मद्रास में, और मद्रास में 7-7 बार हुआ है। ये रट लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है सभी लोग। कोलकाता में 10 बार सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, बंबई मद्रास में 7-7 बार हुआ है। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। सबसे अधिक समय तक रट लीजिएगा, सबसे अधिक समय तक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। ये रट लीजिएगा सभी लोग। कब से कब तक थे? सबसे ज्यादा। ये पहले बात विशेष अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन 1923 में थे एक बार। दूसरी बात 1940 से लेकर 45 तक, 1940 से लेकर, ये रट लीजिएगा सबसे ज्यादा समय तक। याद रहे 1933 के घटना में बता दे रहा हूँ। 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष के लिए मदन मोहन मालवीय चुने गए लेकिन वो जेल चले गए। इसके बाद नालिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। किसको? नालिनी सेन गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। किसके नाते? मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष चुने जाते हैं लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं? जेल चले जाते हैं, उनकी जगह इनको चुना जाता है। अब बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसके प्रमुख स्थापक कौन थे? यहां से इससे ज्यादा प्रश्न आपका नहीं आएगा, जो था मैंने बता दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से विवाद कहां पर हुआ था? अब हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, आप लोगों को समझ में आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से? आप सभी का थैंक यू। स्क्रीनशॉट कर लें सभी लोग। अगला सवाल आपके सामने बड़ा सरल है, अगला सवाल आपके सामने है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ध्यान रहे 35 वर्ष, यहाँ पे ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ। राष्ट्रपति बनने की, उपराष्ट्रपति बनने की, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। 30 वर्ष क्या है? ये राज्यसभा, विधान परिषद, इनके सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। 25 वर्ष क्या है? लोकसभा, विधानसभा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक सवाल मेरा आपसे है, सभी लोग ध्यान से बताइएगा कि राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है, या ये भी पूछ ले कि प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम। देखिए पीएम और सीएम, याद रहे पीएम और सीएम बनने की भी न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, पीएम और सीएम बनने की न्यूनतम। तो देखिए कोई लिमिट नहीं है। जी है, राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र सीमा की कोई लिमिट नहीं है। 55 साल के हो, 75 साल के हो, 200 साल के हो, 500 साल के हो, 550 साल के हो, वह भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, कभी भी। न्यूनतम है 35 वर्ष। अगला, कौन से भारत का राष्ट्रपति नहीं था? अगला प्रश्न 32, जब भी लोग कमेंट करिए कौन भारत का राष्ट्रपति इनमें से नहीं था, फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10 वर्षों तक थे। ये 1950 संविधान सभा द्वारा बनाए जाते हैं और 1962 तक रहते हैं, लगभग 10 साल तक, लगभग दो बार। मतलब ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो बार हुए, दो कार्यकाल के लिए चुनेंगे, अभी तक कोई नहीं चुना गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कब से कब थे? ये 1967 से लेकर 1969 तक थे, डेट मुझे याद नहीं है। फखरुद्दीन अली अहमद के समय भारत में आपातकाल लगा था। ये 1974 से 1977 तक थे, इन्हीं के समय में। फखरुद्दीन अली अहमद, मुझे डेट याद नहीं है, मुझे डेट इनका याद नहीं आ रहा यार, लेकिन 1975 में इन्हीं के समय आपातकाल लगा। मौलाना आजाद ये नहीं थे। अब इनके बारे में, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले
कैबिनेट शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा मौलाना आजाद, ये मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे, ये रट लीजिएगा। मैंने सारे सवाल का जवाब दे दिया, याद रहे। यहाँ पे कुछ की पॉइंट मैं और आपको बता दे रहा हूँ जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बात, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दो कार्यकाल के लिए एकमात्र राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान मृत होने वाले, मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनके बाद बीबी गिरी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया। इसी के बाद भारत के पहले कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला भारतीय संविधान के ऐतिहासिक तथ्य है, जो पहली बार कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया हो, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय हुआ था। यह प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फखरुद्दीन अली अहमद के भी बारे में आगे बात करते हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित कोई जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये मेरी क्लास निःशुल्क है, देशहित में राष्ट्रहित में डेली क्लास चलती है। मैं अपने बचे हुए समय से आप सभी को डेली क्लास लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी सरकारी शिक्षक बने, अपने माँ बाप का रोशन बने। देखिए, राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा है? देखिए, जो स्थिति केंद्र में होती है वही स्थिति राज्य में होती है, तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो राज्य विधानमंडल का निचला सदन विधानसभा होता है। क्या होता है? विधानसभा होता है। क्या होता है? विधानसभा होता है, याद रहे। इसके बाद एक चीज और आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 170 में है, ये अनुच्छेद 170 में है, रट लीजिएगा। राज्यसभा, याद रहे, राज्यसभा किस में है? ये अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा किस में है? अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। विधान परिषद किस अनुच्छेद में? आपसे मेरा सवाल है, विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। अब की बार एक सीट हमार विधान परिषद का सृजन का किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, कमेंट करके बताइए। सब मैं ही बताऊंगा, आप क्या बताएंगे, कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों। अगला है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, एडिसन, न्यूटन, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने किसकी खोज की थी, गैलीलियो ने किसकी, एडिसन ने किसकी, न्यूटन ने, इन चारों को याद करना है, क्योंकि मेरा और आपका एकमात्र है कि सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी करना। मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, कुछ लोग अनुच्छेद 169 बता रहे हैं, इसका मतलब सही बता रहे हैं क्या? ठीक है, सृजन, विधान परिषद का सृजन, यहाँ पे बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्वेश्चन मार्क है ये। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 34 का जवाब, गैलीलियो, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, इसका जवाब सही है। ए वालों ने जिसका जवाब दिया है, सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। कल कितने लोग लाइव रहेंगे इसी समय, कमेंट करके जवाब देते रहें। आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, किस दिवस को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूएनओ की स्थापना, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होगा, इसमें कुल कितने अस्थाई सदस्य हैं, कितने अस्थाई सदस्य हैं, और दूसरा बीटो क्या होता है, बीटो क्या होता है, यूएनओ की भाषा कौन कौन सी है, उनकी संख्या क्या है, इसका मुख्यालय क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है, ये लिख लीजिएगा, न्यूयॉर्क है, ये पूछा जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 50 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका अस्थाई सदस्य देश था, भारत इसका अस्थाई सदस्य देश था, रट लीजिएगा। 24 अक्टूबर वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, ये 50 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत इसका क्या है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार आप सभी का। यही हालत रहेगा तो आप लोग आज 1000 की संख्या पहुंचा देंगे, थैंक यू। यूएनओ का मुख्यालय, अच्छा मैंने बताया न्यूयॉर्क में है, अच्छा यूएनओ का मुख्यालय है, भारत का
या दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय कहाँ पर है? अनुप जी ने बताया फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रसिया, टोटल 6 लैंग्वेज है, लेकिन आपने तो 4 ही बताया है। जी हाँ, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रसिया और कौन कौन से हैं? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ? 37 जवाब दीजिएगा। वाटरलू ये 1815 में हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था वाटरलू। इसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। किसकी? नेपोलियन की पराजय हुई थी। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। वर्तमान में यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को बता रहे देख रहे हैं बताइए फटाफट किस क्रम पे आते हैं। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। कौन थे बताइए? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन थे। सभी लोग फटाफट बताइए। जॉर्ज वाशिंगटन। एक सवाल है मेरा, अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है। 3 बार कौन बना था? मेरा सवाल आपसे है कि अमेरिका का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो 3 बार राष्ट्रपति बना था? अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश अमेरिका के कितने हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने लोग भी दे रहे हैं, अमेरिका के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 3 बार राष्ट्रपति चुने गए जबकि नियम 2 बार का है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा 3 बार कौन चुने गए। तो 3 बार जो चुने गए रूजवेल्ट। कौन चुने गए? रूजवेल्ट चुने गए। कारण कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं के बाद से नियम बन गया कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। इनका जो कार्यकाल होता है कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत में 5 वर्ष, यहाँ पे 4 वर्ष का होता है। तो रूजवेल्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्या हुआ था 3 बार चुने गए हैं, रट लीजिएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति किस क्रम में आते हैं? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? आज हमने पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ाया था और मैंने वहां पे पूछा था इसका स्थापना किसने किया था। सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, अब की बार 1 सीट हमार। सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। करंट की जो PDF की नोट्स है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सर्च करके आप लोग जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश, AO Hume। आप लोगों ने एकदम सही बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना AO Hume ने किया था। कब? 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसके पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष ब्योमेश चंद बनर्जी थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्योमेश, लिख लीजिएगा, ब्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां पे हुआ था? बंबई में। कहां पे हुआ था? रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाले सवाल है, बंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास चंद्रपाल, याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1885 के, जिसके पहले अध्यक्ष ब्योमेश चंद बनर्जी और स्थापक AO Hume थे। इसका पहले का नाम भी मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था? आइए इसके बारे में बता दें। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं सभी के बारे में बता दे रहा हूं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और इन्हीं का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। यह भारत की पहली महिला थी प्रधानमंत्री। और इनकी जो मृत्यु थी, मृत्यु कब हुआ था? 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 1984 इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए मोरारजी देसाई का बर्थडे 29 फरवरी को है। भारत एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका बर्थडे 4 साल पे आता है, मोरारजी देसाई। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के थे, लेकिन पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे जनता दल के द्वारा, मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह के बारे में बताइए, राजीव गांधी के बारे में बताइए, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। ये सारे सवाल आपके परीक्षा में आएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उसको बताएं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट कर लें जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। 4 साल में एक बार किसका बर्थडे आता था, मोरारजी देसाई का। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी यही थे। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आज के सवाल पढ़ाते समय मैंने इनकी व्याख्या की थी, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है भैया, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल किस गोखले, ये इनके राजनीति गुरु थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सभी करंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डेली क्लास इसी समय होती है, आप लोग डेली टाइम पर राइट टाइम लाइव हो जाइएगा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताते हैं, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। क्या मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था, साहित्य का नोबेल पहले भारतीय थे। गीतांजलि और उसके बाद राष्ट्रगान इन्होंने भारत का गाया था। राष्ट्रगान क्यों, 5 पद है, पहला पद गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं। राष्ट्रगान में के 5 पद होता है, प्रथम पद गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं, गायन का समय 52 सेकंड का होता है। ठीक है, शॉर्टकट में भी राष्ट्रगान को गाया जाता है 20 सेकंड में, शॉर्टकट में भी राष्ट्रगान को गाया जाता है 20 सेकंड उसका समय है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अब की बार एक सीट हमार, बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा था। यार इससे ज्यादा व्याख्या अगर कोई यूट्यूब चैनल पर हो सकता है तो बताइए, क्योंकि सारे सिलेक्टेड प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं है जिससे आपका टाइम लॉस हो। फटाफट कमेंट करके बताइए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, मराठों की पराजय हुई थी। पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, पहली कब हुई थी बताइए, दूसरी कब हुई थी। अभी की बार एक सीट हमारे, फटाफट कमेंट करिए। तीसरी हुई थी, मराठों और अफगानी के साथ हुई थी, ये पूछा जाता है। अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ, इसके बारे में बताऊंगा कि उसने कई योजनाएं थी लाया लेकिन नहीं था, बताइए फटाफट कमेंट करके। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्यों, वह पागल था, उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, उसने अपने पिता को मार डाला, वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। उसने बताइए उसने जो मुद्रा परिवर्तन सबसे पहले उसने किया, दुआब कर वृद्धि हुआ, कई चीज़ें थी। मैं इसको बताऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन इतिहास उसे मैंने पढ़ाया है, एक बार सारे सीरीज को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इसने होगा, उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। उसने क्या किया, अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, कहाँ से क्या ले गया, दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ ले गया, दिल्ली से दौलताबाद, दुआब कर वृद्धि उसने किया। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी पर उसने ही किया था सबसे पहले। सुल्तान की उपाधि, मतलब लोग कहते हैं, इतिहासकार इसे कहते हैं पागल बादशाह, इतिहासकार कहते हैं। किस्मत कमारा था, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। अगला, इंडिका पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम बताइए, इबन बबूता, पुस्तक का नाम रेहला, मैं लिखवा दे रहा हूँ रेहला। फायान की पुस्तक का नाम रेहला पूछा जाता है। इंडिका के रचयिता कौन है, फटाफट कमेंट करिए, ये परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इंडिका के रचयिता कौन है, फटाफट वीडियो को शेयर करिए, सभी लोग टाइम से लाइव आइएगा, कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए।
सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, इंडिका के रचयिता कौन है, जितने वीडियो को लाइक देख रहे हैं शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए अगर क्लास आपको बेहतर लगे तो। मेगास्थनीज हैं, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम बताइए, सेल्कुलस का राजदूत, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। अकबरनामा के रचयिता कौन है, जी हाँ बताइए फटाफट कमेंट करके, अबुल फजल इब्न बबूता का रेहला। कल्लड़ क्या थी, कल्लड़ की प्रमुख रचना परीक्षा में पूछा जाता है, बताइए फटाफट कमेंट करके, कल्लड़ की रचना फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देश के निर्माताओं, कल्लड़ की पूछा जाता है। राज तरंगड़ी किसकी रचना है, राज तरंगड़ी, अबुल फजल, फयान, अमीर खुसरो, रट लीजिए, सभी परीक्षा वाले सवाल हैं। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, अब की बार एक सीट हमार। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, फटाफट करें, नाथुला, जोजिला, रोहतांग, खैबर, दर्रा का सीरीज मैंने पढ़ाया है, यह भारत का भूगोल का सवाल है, फटाफट कमेंट करिए, नाथुला, जोजिला, रोहतांग, खैबर, कौन सा दर्रा होगा। जी हाँ, सभी क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा संस्कृत की क्लास है, हिंदी की क्लास है, SST की क्लास है, गणित की क्लास है, विज्ञान की क्लास है, उसके अलावा समसामयिक की, करंट अफेयर, विविध, सभी क्लासेज है, लिंक टेलीग्राम पर है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा रोहतांग दर्रा। नाथुला दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, तो ये रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, भारत का उत्तरी मैदान किससे आच्छादित है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, इसे कपासी मिट्टी कहते हैं और रेगुर मिट्टी कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, दाल दानेदार मिट्टी, बताइए फटाफट कमेंट करके, भारत का उत्तरी मैदान किससे आच्छादित है। यार कमेंट करिए, जवाब दीजिए, ऐसे सिलेक्शन लेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, गलत हो जाए चलेगा, परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर कछारी मिट्टी होगा। आइए जानते हैं कछारी मिट्टी क्या है, भारत का उत्तरी मैदान, इसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मृदा, जलोढ़ मिट्टी, इसे ही कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग को नहीं पता था, याद रखिए, कछारी परीक्षा में थोड़ा घुमा कर पूछता है, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं भैया। हिमालय पर्वत और दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के मध्य सिंधु गंगा नदियों द्वारा लाए गए विशाल मैदान है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, रट लीजिएगा। बांगर और खादर क्या है, बताइए बांगर और खादर, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कौन सा एक रेस्टोरेंट श्रृंखला नहीं है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप बात कर जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स आप लोग को उपलब्ध हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देखते मिलती है। अगला है, बताइएगा, देखिए कौन सा रेस्टोरेंट श्रृंखला नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर निरुलास, पंजाबी वाइस नेचर, डोमिनोज, वालमार्ट नहीं है। वालमार्ट क्या है, एक किराना खुदरा व्यापार की संस्था है। क्यों, कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे फेना क्या है, एक फुल फॉर्म पूछा था अभी हाल ही की परीक्षा में, फेमा क्या है, वैसे आपने जानते होंगे जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपने पैसे निवेश करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसी के अंदर वालमार्ट आया था। जरा आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या कहते हैं जो विदेशी कंपनियां भारत में पैसा निवेश करती हैं, उनके क्या क्या नाम है, कमेंट करके बताइएगा। प्रशांत भूषण कौन है, प्रशांत भूषण कौन है, ये मशहूर वकील है, ये क्या है, ये मशहूर वकील है और आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, डेली क्लास आप लोग जुड़े रहिएगा, सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। अगला, अगर आपके यहाँ तो 2-3 प्रश्न हम आप लोग से पूछ लें, विटामिन प्रश्न याद कर लीजिएगा, विटामिन सवाल आते हैं। अच्छा ये बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, इसी का जवाब दीजिएगा, आज की सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। भारत व बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट। और सभी लोग डेली इस टाइम पे लाइव आ जाएंगे, डेली क्लास इसी समय आपकी चलती है, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर सारे क्लासेज लिंक बाई लिंक क्रम से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा, इंस्टाग्राम पे है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक,
जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपके कदमों में जरूर सिर झुकाएगी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आइए मैं इस तथ्य को बता देता हूं, पहले रेडक्लिफ ये रेखा वाला कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पे मैं छोटा सा मैप बना रहा हूं। देखिए रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सर रेडक्लिफ ने खींचा था बॉर्डर कमीशन के बनाने जाने के बाद। तो इस तरह से भारत का जो है ये बन जाता है। माना ये भारत है, ठीक है। ये 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, उसके बीच में रेडक्लिफ रेखा खींची जाती है। लेकिन होता क्या है कि बाद में आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है। ये बांग्लादेश जो था इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते थे? ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में जब आज़ाद होकर एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है, याद रहे, तो ये क्या बन गया? स्वतंत्र एक देश बन गया। और जब ये पूर्वी पाकिस्तान था तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा थी? रेडक्लिफ थी। कौन सी थी? रेडक्लिफ रेखा थी। और यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी हो गई। भारत बांग्लादेश के बीच एक लंबी सीमा रेखा साझा करती, सबसे ज़्यादा कितनी? 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी स्थल सीमा स्पर्श करता है बांग्लादेश भारत के साथ। कितने राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है? कमेंट करके कमेंट जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत बांग्लादेश की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। और याद रहे भारत के कुल 17 राज्य हैं जो 7 देश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। याद रहे भारत के 17 राज्य हैं जिनकी सीमा 7 देश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है उनको दिल से थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और डेली क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने 10 साथियों को जरूर भेजिएगा, ठीक है। एक है वॉलमार्ट क्या है, कमेंट करके मैंने पूछा वॉलमार्ट क्या है। मैंने एक बात बताया था कि विदेशी कंपनियां दो तरह से, एक अपने जो टेक्नोलॉजी उसको भी लेकर आती हैं, दूसरी जो होती है केवल कंपनी लेकर आती है। वही बताइए कमेंट करके वॉलमार्ट क्या है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है अर्थशास्त्र में, याद करिए। सिलो फटाफट कमेंट करके बताइए। बताइए क्या है। चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अरे FDI नहीं पढ़े आप लोग, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये वॉलमार्ट जो है FDI के थ्रू आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को आज के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, थैंक यू। इसे FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसी तरह आया था। चलिए जय हिंद जय भारत। ये सभी क्लास के लिए, चाहे आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां GS पूछा जाता है, इससे बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे। RO, ARO, यहां तक कि UP SSC, UPSC सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम GS की वो सीरीज पढ़ाते हैं जहां से परीक्षा में आपके सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। थैंक यू। क्लास कैसी लगी एक लाइन में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा, आज आप लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया। बाय बाय। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।